तो आप सब लोगों ने वो वाली एक्सरसाइज जो मैंने दी थी, एक ड्राइंग और डाइनिंग रूम का आपको लेआउट करना था, फर्नीचर लेआउट, यस सर। उसमें से मेरे पास ग्रुप में तीन एंट्रीज आई हैं आई गेस। आकृति की आई है, खुशी की आई है, चारू की आई है एक्चुअली, यस सर, चारू। और आकाशी अग्रवाल की आई है। आकाशी कौन है? अच्छा सर स्तुति। ठीक है, स्तुति आपसे अगर शुरू यस करते हैं, तो यस सर। आपने जो उसका ड्राइंग रूम का डोर है जहां से आप यस एंट्री सर। कर रहे हैं, यस सर। उसके बगल में ही आपने डाइनिंग टेबल लगाई है। यस सर। उसके बाद हम आगे आते हैं तो आपने वहां पर एक सोफा सेट लगाया हुआ है। यस सर, लेकिन एक वो सोफा है, एंट्री एक पॉइंट। टेबल है और दो स्टूल्स हैं। यस सर, लेकिन सर वो मेरा मेन एंट्री पॉइंट नहीं था। मेन एंट्री पॉइंट सर मेरा इधर से था, सोफे की तरफ से। अच्छा यस सर। सर वो बैक का था। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि जब भी आप प्लानिंग करते हो कोई भी स्पेस की, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे किचन हो, ड्राइंग रूम हो या डाइनिंग रूम हो, या फिर कोई और कमर्शियल या रेसिडेंशियल कैसी भी स्पेस हो, आपको यस हर चीज के प्रपोर्शंस के हिसाब से ही डिजाइन करना है। सर। तो आपका अगर हॉल एरिया, इसमें मैंने आपको डायमेंशंस दी थी, हॉल एरिया क्या था इसका? किसी को याद नहीं है क्या, या किसी ने देखा नहीं है? हाँ यस सर। इसका हॉल की डायमेंशंस क्या दी थी मैंने, जो आप लोगों ने ड्राफ्ट करी है? 7500 by 4500 थी। यस तो 7500 by 4500 के हॉल में आप लोग इतने बड़े बड़े सोफे, ये सोफा का साइज क्या है आपका स्तुति? सर। आपके सोफे का साइज क्या है जो आपने लगाया हुआ है ड्राइंग में? सर वन सेकंड। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो यस सर। यस सर। स्तुति, आपको यस सर। अब बताइए आपके सोफे का साइज आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पे? सर हमने इसमें 1:10 की स्केल से बनाया था, तो हमने इसको 6 सेंटीमीटर मान के काम किया था। कौन सा स्केल लिया है तुमने? सर नॉर्मल स्केल से बनाया था। स्केल लिया कौन सा है? 1:20? नहीं सर, 1:10। 1:10? यस सर। देखिए, जब आप लोगों को डाइनिंग और ड्राइंग रूम की बात होती है ना, तो आपको उसमें एक किचन भी सेटअप करना होता है, क्योंकि डाइनिंग बिना किचन के तो नहीं हो सकती है ना। तो यस इसमें सर। एक आप
किचन सेटअप करिए। किचन देखो, ड्राइंग रूम का और डाइनिंग रूम एरिया का एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, 13 फीट, या फिर उसको कह लो 3900 mm बाय 18 फीट, उसको आप कह लो 5400 mm। 3900 mm बाय 5400 mm का स्टैंडर्ड साइज होता है एक ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का, जिसमें आपका सोफा सेट लगता है प्लस आपकी डाइनिंग टेबल लगती है। उसके अलावा किचन जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है 6 फीट बाय 8 फीट का, जो कि है 1800 mm बाय 2400 mm। ओके सर। देखो, फीट में प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस होते हैं और प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो एमएम में होती है, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट द डायमेंशंस एंड कन्वर्जन्स। फीट कितने एमएम होगा या कितने मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। 1 फीट 300 mm होता है, कितना होता है? 300 mm। एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? कोई बता सकता है? एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। 12 इंचेस मेक्स 1 फीट, तो 1 इंच कितने एमएम का हुआ, कोई बता सकता है? सर 25। वेरी गुड आकृति। 1 इंच 25 mm का होता है, ठीक है? 1 फीट 300 mm का होता यस सर। है, ओके? तो जब आप लोग प्लानिंग करते हैं कोई भी स्पेस की, तो आपको उसके स्टैंडर्ड डायमेंशंस के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। इससे कम होता है तो थोड़ा सा स्पेस में सर्कुलेशन या फिर वर्किंग के लिए प्रॉब्लम होती है। उससे ज्यादा हो तो बेटर है, उससे कम होना प्रॉब्लमेटिक है। तो एक ड्राइंग और डाइनिंग रूम की डायमेंशन जो स्टैंडर्ड, वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। एक किचन की स्टैंडर्ड डायमेंशन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो वो वाले प्लान जो आप लोगों ने भेजे थे, शिवानी आपने नहीं भेजा है ना वहां पर प्लान? आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी आई गेस। यस सर। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है। आज ही ज्वाइन किया है और आज ही लास्ट क्लास है, कल से छुट्टियां हो रही हैं 15 दिन की। तो सर मैं कल व्हाट्सएप ग्रुप पे सर सेंड कर दूंगी। हाँ, आप वो अपना सेंड कर दीजिएगा। आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर मुझे समझ में आ रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में लेआउट भी है। तो आपको क्या यस सर। करना, ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया प्लस किचन उसी लेआउट के अंदर सेट करना है। आपके पास स्टैंडर्ड डाइमेंशंस हैं ड्राइंग डाइनिंग और किचन की,
तो उसमें फर्नीचर प्लेसमेंट करनी है उसी हिसाब से। वो ओके सर, प्लेसमेंट करके जब आप मुझसे फाइनलाइज करा लोगे, उसके बाद उसके वॉल एलिवेशंस आपको क्रिएट करने, ठीक है? ओके सर, तो आप लोग वही प्लान पे वर्कआउट करो। एंट्री सर यस सर, सर थोड़ी डायमेंशंस में प्रॉब्लम होते रहते हैं, थोड़ा मेजरमेंट पे हम लोग को नहीं पता है कि कौन सी चीज कितने मेजरमेंट की होगी। अगर आपके पास ऐसा कोई चार्ट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल आपको दो किस चीज की के में मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ लीजिए। सोफा, सर। फर्नीचर में जैसे सोफा की हम लोग ऐसे देखो सोफा जो आपके सोफे का बैक होता है वो यस आपका सर, 3 to 4 inches होता है। ओके उसके सर, बाद जिस जगह पे आप बैठते हो आपका प्लेटफॉर्म होता है जो यस सर, वो 2 feet to 2 feet 2 inches का होता ओके सर, है। उसकी चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी लंबाई की बात कर रहा हूं। पर ओके सर, फीट अगर आप देखोगे तो चौड़ाई में वो 2 feet की होती है। ओके, ओके एक आदमी जो बैठता है, एक आदमी अगर 3 seater सोफा है तो वो 3 seater सोफा पर सीट के हिसाब से कैलकुलेट करके बनता ओके सर, है। तो पर सीट की जो डायमेंशन होती है वो 2 feet by 2 feet 2 inches आप ले सकते हो। ओके सर, इज दैट क्लियर? यस सर, तो इस तरीके से आप, आपके पास पर सीट की डायमेंशन आ गई है, पर सीट के हिसाब से आप चाहे वो एल शेप का सोफा हो, चाहे वो यू शेप का सोफा हो, चाहे वो डबल सीटर हो, चाहे ट्रिपल सीटर हो, जिस तरीके का भी हो, आपके पास एक पर सीट स्टैंडर्ड डायमेंशन है, तो आप उस हिसाब से अपना सोफा अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। सर एंड डाइनिंग टेबल की हम लोग क्या मेजरमेंट लेंगे? बिल्कुल लेंगे, हर चीज की मेजरमेंट होती है, आप अपने हिसाब से नहीं बना सकती है चारों। ओके सर, तो अगर डाइनिंग टेबल को देखो तो डाइनिंग टेबल 3 feet wide होती है, और उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने सीटर डाइनिंग टेबल बनाते हो। ओके सर, ठीक है, हाँ, यस सर, आपके पास किचन का डायमेंशन है, आपके पास ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया का है, आपके पास सोफे का है, आपको टीवी यूनिट उसमें इंस्टॉल करनी है, और वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू अकॉर्डिंग टू यू, इट्स योर डिजाइन। बस आप लोग मुझसे लेआउट फाइनल करा लीजिए, फिर वॉल एलिवेशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्लस किचन के अंदर अगर बात करें तो किचन का प्लेटफॉर्म का जिस पे वर्किंग काउंटर होता है, जिस पे लोग काम करते हैं, वो यस सर, 2 feet का होता है, वो 2 feet का होता है। तो इसीलिए किचन की एक स्टैंडर्ड डायमेंशन 6 feet की होती है, क्योंकि अगर आप एक साइड उसमें काउंटर चलाते हो तो 2 फीट का काउंटर हो जाता है, और प्लस 4 फीट आपके पास वर्किंग की सर्कुलेशन स्पेस रहती है। ओके सर, तो 6 फीट का अगर आप किचन बना रहे हो, 6 feet wide का, तो आप एक एल में काउंटर लगा सकते हो 2 फीट का, और अगर आप यू में काउंटर लगाना है तो आपको बीच में 4 फीट की सर्कुलेशन स्पेस देनी पड़ेगी, और दोनों साइड बाकी दो दो फीट के काउंटर होंगे, तो आपकी किचन की डायमेंशन हो जाएगी 8 feet, 8 feet by 10 feet। ओके सर, यस ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? सर, ओके, आप लोग अब उस पे वर्कआउट कर लो, जरूरी नहीं है अभी तुरंत करिए, आप बस मुझे आज वहां पर ग्रुप पे भेज दीजिएगा, तो मैं उसको चेक करके जो भी करेक्शंस होंगे वो आपको मैं बता दूंगा, फिर आप लोग उस पर फर्दर वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो जो आपने एरिया दिया हुआ है लेआउट का, उसी में वो तीनों बनाना है। ओके जी उसी में आपको बनाना सर, है। इस एरिया में ज्यादा फिजिबल ये होगा कि आप लोग एल शेप का सोफा रखिए, तो आपके पास स्पेस
की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगी, वेस्टेज नहीं होगी, प्रॉपर हो जाएगी, है ना। अब जैसे जो यस सर जो किसी ने मुझे भेजे थे, किसी ने भी शायद एल शेप का सोफा नहीं रखा है, तो इसमें एल शेप का सोफा ट्राई करो, तो उसमें आपको स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छी होगी और प्लस वेस्टेज नहीं होगी। तो वेस्टेज नहीं होती है स्पेस में, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस बहुत अच्छी नजर आने लगती है। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, हर एक स्पेस का एक प्रॉपर यूज हो और कोई भी नेगेटिव स्पेस ना हो, हर चीज पॉजिटिव हो, ठीक है। यस सर ओके, तो आप लोग उसी पे काम कर रहे हो? यस सर ठीक है आकृति, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर ओके ओके सर।